नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगर आप भी अपने आप को अच्छे लोगों में गिनती करवाना चाहते हैं, इस दुनिया में आप अपना भी एक अस्तित्व बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको अपने दैनिक दिनचर्या में इन बातों का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक होगा, जो कि दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों यकीन मानिए, इनसे जो लाभ आपको प्राप्त होगा दोस्तों, आप भूले नहीं समाएंगे। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय हनुमान। महाबली हनुमान जी का अशीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हम आप सभी को बता दें कि आज के इस दौर को तो आप देख ही रहे होंगे, किस प्रकार लोग पेशे के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ का दौड़ भाग करते रहते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति का अलग अलग पेशे कमाने का यशमय जरिया बन चुका है, क्योंकि दोस्तों पेशा सभी के लिए बहुत ही बड़ा यशमय कीर्तिमान बन चुका है। जी दोस्तों, और पेशे से ही हर लोगों की हर जरूरत भी पूरी होती है। जी दोस्तों हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवनकाल में हमें पेशा मिले, उतना नहीं जितना हमारे घर परिवार चल जाए, जिनसे हम अपने जीवनकाल को अच्छी तरीके से संभाल सकें, पर्याप्त धन हमारे पास उतना अवश्य होना चाहिए। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों कुछ लोग गलत रास्ता जो अपनाते हैं और कुछ लोग सही रास्ता, जो लोग सही रास्ता अपनाते हैं दोस्तों, भले ही उसको वक्त लगता है लेकिन उसका पैसा टिकता है, और जो लोग गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं दोस्तों, उसका पैसा आए दिन यहाँ तो वहाँ निकल ही जाता है। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी की जीवनकाल के लिए बहुत ही बड़ा मूल मंत्र, बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों आप इन्हें अंत तक देखिएगा, आपको जीवन के जीने का एक नया स्रोत मिलेगा, और जो जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे दोस्तों, गारंटी है कि पूरी यूट्यूब पर ऐसी जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में आपको याद रखने चाहिए, कि दोस्तों हमारे जीवनकाल में बहुत सी प्रकार की घटनाएं होती रहती है। कभी कभार हमारे जीवनकाल में जो घटनाएं होती है हमें पता भी नहीं चलता है कि इस समस्या का क्या समाधान है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि बहुत सारी समस्याओं का एक ही समाधान होता है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यही बातें हैं जो कि आपके जीवनकाल में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको देगा। तो दोस्तों इस बातों को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से और मन लगाकर सुने कि दोस्तों एक निर्धन व्यक्ति था, वह सरसों के तेल का दीपक जलाकर नित्य गली में रख देता था। चूंकि गली अंधेरी थी इसलिए वहां से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत ही लाभ मिलता था। निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के मंदिर में एक ही घी का दीपक जलाया करता था। मृत्यु होने पर जब दोनों यमलोक पहुंचे तो दोस्तों धनपति को निम्न श्रेणी और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान की गई। जी दोस्तों, धनपति को यमराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा और उन्होंने यमराज से इस संदर्भ में प्रश्न किया, तो यमराज बोले, पुण्य की महत्ता धन से नहीं, कार्य की उपयोगिता सन्निहित भावना के आधार पर होती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाशित था, उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिससे हजारों जरूरतमंदों तक प्रकाश पहुंचा और इसी वजह से वह ज्यादा पुण्य का अधिकारी बना। जी दोस्तों, तो दोस्तों आप भी अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान रखें कि दोस्तों बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको इस बातों से मिलती है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आपको करोड़पति बनने के लिए या फिर अपने जीवनकाल में पर्याप्त धन अर्जित करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो दोस्तों आप सभी का जीवन काल अभी फिलहाल कुछ सालों से बहुत ही संकट भरा चल रहा है। जितना अपने धन कमाए थे दोस्तों वह भी यशमय खर्च होता जा रहा है और धन आने की संभावना आप सभी के जीवन काल में बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप यशमय मायूस बिल्कुल ना होए, क्योंकि दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला अवश्य होता है।
ये दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब से आप सभी की कुंडली में महालक्ष्मी योग और धन योग का निर्माण हो चुका है, जिनसे कि दोस्तों आप सभी के जन्मकाल में धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों उनके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और जो वीडियो में हम बताने वाले हैं उन कार्यों को करना है, तो दोस्तों पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। जय दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ समय से आपके जन्मकाल में बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना तो करना पड़ा, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ ऐसे भी घटनाएं आप सभी के जन्मकाल में हुई है जो कि आपको वह पूरी तरह झकझोर के रख दिया है। जय दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई वर्षों से आप लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनका फल अभी तक आपको अच्छी तरह से नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों इनके साथ आपकी भी कुछ गलतियां होती है जो कि आपको अपने कार्यभार को अच्छी तरीके से करने नहीं देती है, आपको अपने जीवनकाल में आगे बढ़ने नहीं देती है। तो दोस्तों आपको भी अपने जीवनकाल पर अपने गलतियों को सुधारना है, अपने गलतियों को मानना है, तो दोस्तों आप अपने जीवनकाल को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे और बहुत ही अच्छी दिशा में लेकर जा भी पाएंगे। जय दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं अगर आपको उनमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको हार्डवर्क के साथ कार्यों के तह तक जाना चाहिए कि दोस्तों आखिर आपका कार्य हो क्यों नहीं रहा है, आखिर इसके पीछे कौन सी कारण है जिसकी वजह से आपका कार्य बनते बनते बिगड़ रहा है, आखिर कोई व्यक्ति तो आपके कार्य के पीछे नहीं है जो कि आपके कार्य होने नहीं दे रहा है। इस प्रकार की दोस्तों आपको अपने मन में सवाल उत्पन्न करना है। जी दोस्तों, और आप देखेंगे कि आपके अंदर आपके सामने आपके मन में एक अच्छा सा उत्तर आपको प्राप्त होगा। जी दोस्तों, जैसे ही दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्न अपने कार्यों में करेंगे तो दोस्तों आपको जरूर ही समाधान प्राप्त होगा। और दोस्तों यकीन मानिए, इन बातों को अगर आप अपने जीवनकाल में याद रखेंगे तो दोस्तों आपका कोई भी कार्य कभी गड़बड़ भी नहीं होगा। जय दोस्तों, और दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दोस्तों जो भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में इन उपायों को करता है, इन बातों का ध्यान रखता है, दोस्तों उनके जीवनकाल में कभी भी गरीबी आता ही नहीं। जी दोस्तों, हमेशा ईश्वर उनके साथ रहते हैं, ईश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए उनके हाथों में हाथ रखते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि सबसे पहला जो कार्य है आपको अपने जीवन काल में दैनिक दिनचर्या में करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा कार्य करते हैं और उन्हें अच्छा प्रेरणा भी मिला है, तो दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में आज से ही इन कार्यों को करें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो दोस्तों प्रतिदिन सुबह शाम घी का दीपक आप उस पर जरूर जलाएं। जय दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर नहीं भी हो तो दोस्तों इन्हें घर में लगाएं और घी का दीपक जलाएं। और दोस्तों साथ ही शुक्रवार और शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा सफेद रंग की आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों तीसरा चीज है, पीली कोड़ी को देवी माता का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कोड़ियों को केसर या फिर हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी है या फिर घर में वह जगह जहां पर आप पैसे कभी कभी रखते थे या फिर रखते हैं वहां पर रख दें। नारियल विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेट कर वहां पर रख दें। जय दोस्तों, चौथा चीज है, शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ अनमोल रत्नों में से एक है। जी दोस्तों, लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ समृद्धि और वृद्धि अवश्य होता है, माँ लक्ष्मी का वास वहाँ पर जरूर होता है। तो दोस्तों घर में आप एक ना एक शंख अवश्य रखें। इसके उपरांत दोस्तों आपको प्रति शनिवार को पीपल को भी जल चढ़ाना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए, इसी भी दोस्तों धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और घर की जो आर्थिक तंगियां होती है वह इनसे खत्म होती है। तो दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है। इसके उपरांत दोस्तों घर में ईशान कोण में हमेशा खाली रखें, हो सके तो वहाँ पर दोस्तों जल भरा एक पात्र रखें, चाहे वहाँ जल कलश भी आप रख सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अप्रिय है, अति प्रिय इस बांसुरी जिस घर में रखी जाती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना ही रहता है, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो दोस्तों आप अपने जीवनकाल में कुछ इन बातों का ध्यान रखें, दोस्तों देखेंगे कि पिछले समय में जो भी आपके साथ घटनाएं हुई थी दोस्तों उन घटनाओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी आपके जीवनकाल में पिछले समय बुरी संकट समस्याएं आपके जीवनकाल में चल रही थी दोस्तों वे सभी खत्म होंगी और खासकर दोस्तों आर्थिक तंगियां इनसे आपकी दूर होंगी
और दोस्तों आप सभी के जीवन काल में पेशों की बढ़ोतरी होगी। योग के हैं तो आने वाले समय में आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में इन उपायों को जरूर कीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और शायद दोस्तों और इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।